तो चलिए शुरू करते हैं बेस्ट का डबल टेस्ट। जजेस, इस हफ्ते हमारे बेस्ट के लिए आपने कौन सा चैलेंज लाया है वो हम जानना चाहेंगे। आज के पहले टेस्ट में एक डांसर कोरियोग्राफर जोड़ी को दूसरी जोड़ी के साथ डांस की पार्टनरशिप निभानी पड़ेगी और हम उन्हें इक्वल स्कोर्स देंगे। इस टेस्ट में आपके पार्टनर की जो स्ट्रेंथ है वो आपके मार्क्स को बढ़ा सकती है और आपके पार्टनर की वीकनेस आपके मार्क्स को घटा भी सकती है। अगले हफ्ते इंडियाज बेस्ट डांसर का सबसे पहला एलिमिनेशन होने जा रहा है। इसकी मैं आपको थोड़ी सी वार्निंग दे रही हूँ, तो एवरी लिटिल मार्क विल काउंट। ओके, सो प्लीज इसको ध्यान में रखते हुए आज के परफॉर्मेंसेस दीजिए एंड आई वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और भाई, तो बुलाते हैं हमारे पहले परफॉर्मर को। सो इंडिया बेस्ट के डबल टेस्ट में एक साथ आ रहे हैं विपुल खानपाल, अंजलि ममगाई और इनके कोरियोग्राफर्स आर्यन पात्रा और रक्तम ठकुरिया। जोरदार तालियां हो जाए। Nice. अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। डूब गया है दिल गम के अंधेरे में, मेरी सारी दुनिया है दर्द के घेरे में, मेरे सारे गीत ढले या हूँ मैं बन के दीवाना। अब यहाँ वहाँ फिरता हूँ, ठोकर खाता हूँ राहों में। Nice. जहाँ उसे देखा था, जहाँ उसे चाहा था, जहाँ मैं हंसा था और बाद में रोया था, जहाँ उसे पाया था पाके खोया था। जहाँ कभी फूलों के कलियों के साए थे, रंगे रंगे महके रुदने हर एक कदम पर रात रजाए थे। गुलशन गुलशन दिन में उजाले थे, जगमग जगमग नूर था रातों में झिलमिल झिलमिल। जहाँ मैंने ख्वाबों की देखी थी मंजिल, जहाँ मेरी कष्ट ने पाया था साहिल, जहाँ मैंने पाई थी पलकों की छाँव, जहाँ मेरी बाहों में कल थी किसी की मरमरी बाहें, जहाँ एक चेहरे से हटती नहीं थी मेरी निगाहें, जहाँ कल नरमी ही नरमी थी प्यारी प्यार था बातों में, हाथ थे हाथों में, जहाँ कल गाए थे प्रेम तराने, जहाँ कल देखे थे सपने सुहाने, किसी को सुनाए थे दिल के फसाने, जहाँ कल खाई थी जीने की मरने की कसमें, तोड़ी थी दुनिया की सारी रस्में, जहाँ कल बरसा था प्रीत का बादल, जहाँ मैंने थामा था कोई आंचल, जहाँ पहली बार था मैं पागल। अब उन राहों में कोई नहीं है, अब है वो राही वीरा मीरा, दिल भी है जैसे हैरा हैरा, जाने कहाँ गया मेरे सपनों का मेला, ऐसे ही ख्यालों में खोया खोया घूम रहा था मैं कब से अकेला। चमका सितारा जैसे कोई गगन में, गूंजी जवां कोई मन आंगन में, कांच नहीं तल था वो मेरी इन बाहों में, भूल गया मेरा दिल जैसे हर गम बदल गया, जैसे दुनिया का मौसम झूमने नजारे और झूमी सितारे और बेस्ट का डबल टेस्ट ना, ये चैलेंज आप लोगों पर कम और हम पर ज्यादा लग रहा है मुझे। रियली, बिकॉज आंखें दो ही हैं। अभी चार चार लोगों को देखना पड़ रहा है। सोलोज भी देखे हैं, डुओज देखे हैं, ट्रायोज देखे हैं इस सीजन में, क्वार्टेट ये पहली बार देख रहे हैं। ये जो गाना है ब्रेथलेस शंकर महादेवन का, इट्स अ मास्टरपीस। कम सांस लेकर इतनी लंबी लंबी लाइन खींच कर गाना बहुत डिफिकल्ट है, और उसी हिसाब से जिस तरीके से आज आपने नाचा वो भी डिफिकल्ट था, स्पेशली द फुटवर्क। सो रियली वेल डन ऑन दैट। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये बेस्ट का डबल टेस्ट हमने देख के हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है।
क्योंकि हम आपका स्टाइल जानते हैं विथ योर पार्टनर्स, ये इजी हो जाता है हमारे लिए जज करना. लेकिन जब दो अलग स्टाइल्स, जैसे रक्तिम और विपुल का स्टाइल बहुत सॉफ्ट, फ्लूइड, ब्यूटीफुल, रोमांटिक, आर्यन एंड अंजलि आप लोगों की एनर्जी, आप जिस स्पीड से आप लोग डांस करते हो, आज मैंने देखा कि आप लोगों ने एक दूसरे के स्टाइल को अपना कर एक ब्यूटीफुल एक्ट तैयार किया जो मुझे बहुत पसंद आया. एक दर्द वाला, अंधेरा वाला मोमेंट आया दर्द के अंधेरे में, बहुत खूबसूरत. इट वॉज रियली अ ट्रीट टू वॉच, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. तो आपका टोटल होता है 25. वेरी नाइस. तो मतलब अब विपुल आपको भी 25 मार्क मिले हैं, अंजलि आपको भी 25 मार्क मिले हैं. मैं पूछना चाहती हूँ आप दोनों से, एक दूसरे के साथ काम करके कैसा लगा? पहले हमें जब पता लगा कि हमको पेयर किया जा रहा है एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि अंजलि के साथ परफॉर्म करूँगा. Okay. बहुत ही बढ़िया लड़का बहुत बढ़िया लड़की है ये. बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी लड़की के साथ डांस कर रहा हूँ. ऐसा लगा कि कोई किसी छोटे भाई के साथ ही डांस कर रहा हूँ. टॉमबॉय है हमारी लड़की, थोड़ी टॉमबॉय है. मतलब जैसे फर्स्ट टाइम मैं मिला उससे, वो जैसे ही घुसी दरवाजे में, उसने ऐसे मारा दरवाजा, बैग वैग फेंक कर थोड़ा गया और भैया चलो स्टार्ट करते हैं. मैंने कहा अच्छा वैसा ये तो सही है. मैंने कहा थोड़ा नज़ाकत के साथ चलना थोड़ा ऐसे. वाह. तो वो चल रही है, ठीक है भैया. कैसे चलती है अंजलि, एक बार दिखा दे कैसे चलती है. ऐसी. और अभी एक आपने स्टेप भी देखा होगा हमारे, उसमें जिसमें वो राउंड करके ऐसे मेरे पास आती है, तो मैंने उसको बोला कि आराम से आना, उसका आपको राउंड दिखाता हूँ. इंडिया बेस्ट के डबल टेस्ट में एक साथ आ रहे हैं शिवम वानखेड़े, हंसवी टोंग और इनके कोरियोग्राफर्स सोनाली कर और अनुराधा अयंगर. एक बार जोरदार ताले हो जाए. जजेस, मैं कुछ कहना चाहती हूँ. जी. आज हरिद्वार से कुछ स्पेशल लोग आए हैं. मैं बहुत क्लोज हूँ इन सब के. दे आर प्योर सोल और मैं हमेशा हर फेस्टिवल पे या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है उससे पहले मैं हमेशा उनके घर जाती हूँ आशीर्वाद लेने. तो आज भी चाहती हूँ कि इस शुभ कार्य को करने से पहले मैं उनका आशीर्वाद लूँ. मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को आदेश देकर 14 साल के अपने वनवास पर निकल पड़े और उन्हें अलविदा कहकर सभी अयोध्या वासियों ने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया, सिवाय कुछ किन्नरों के. इन सभी किन्नरों ने अयोध्या के मुख्य द्वार पर ही भगवान श्री राम का इंतजार किया. इसी इंतजार में 14 साल बीत गए और आज आज कितनी खुशी का दिन है, लेकिन
इन 14 सालों में वनवास में न जाने क्या क्या हुआ होगा। प्रभु, इस द्वार पर हमने आपकी 14 साल प्रतीक्षा की। आज आपको अपने समक्ष पाकर हम अत्यंत खुश हैं। लेकिन आप सब अपने घर क्यों नहीं गए? सभी अयोध्या वासियों से मेरी विनती है कि जब हम अपने वनवास की ओर प्रस्थान करें तो कोई भी स्त्री या पुरुष हमारे पीछे ना आए और अपने अपने घर वापस चले जाएं। प्रभु, हमने आपकी आज्ञा का मान रखा, लेकिन ना ही हम स्त्री हैं, ना ही पुरुष। इसीलिए हमने अयोध्या के मुख्य द्वार पर ही आपका इंतजार करना उचित समझा। आपकी श्रद्धा ने हमें भावुक कर दिया है, इसीलिए हम आपको यह वरदान देते हैं कि आज से आप आशीर्वाद देकर किसी की भी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। ये जो हमारे पुराण के साथ जुड़ी जो कहानी आपने दर्शाया वो सो ब्यूटीफुल। अनुराधा एंड सोनाली, जो आपने काम करा है इन दोनों बच्चों पर, आई एम श्योर इट मस्ट हैव नॉट बीन इजी। आई थॉट दिस वाज सो ब्यूटीफुल, स्पेशली द सेक्शन जो बाद में नीचे आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई एम सीरियसली दैट वाज अ मैजिकल मोमेंट फॉर मी। Shabbat shalom.
गलती बंद, वैसा वाला परफॉर्मेंस चाहिए। मेरे लिए ये मैं कहूंगी कि ये तूफान से भी ऊपर था ये परफॉर्मेंस, तूफान परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, लव यू, लव यू। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आप लोगों को मंच पे बुलाना चाहूंगी, आप आना चाहेंगे प्लीज? मेरा नाम मोनिका है और मैं एक छोटे से शहर हरिद्वार से हूँ, ज्वालापुर से जी। और हंसवी जब बहुत छोटी थी तब से मैं हंसवी के जानती हूँ। हंसवी हमेशा स्टेज में परफॉर्म किया करती थी, स्कूल में परफॉर्म किया करती थी। कुछ लोग समाज के हमारी कम्युनिटी को एक हीन भावना से देखते हैं, तो वो हंसवी ने उसके लिए ये एक्ट किया। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमारे कल्चर को आप लोगों ने याद दिलाया। आपको सबको महाकाल खुश रखे। हंसवी मेरी बेटी है, बेटी से भी बढ़ के है। जो हमने एक दिल से रिश्ता बनाया था कई साल पहले, वो रिश्ता आज तक हंसवी निभा पा रही है। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी हंसवी की नजर उतारना चाहती हूँ। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूँ सब जो चाहे तू। एक बार जोरदार ताला हो जाए हमारे परफॉर्मेंस के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस रॉकिंग परफॉर्मेंस, प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू सो मच। तो इंडिया फाइनली दो जस्ट फ्रेंड्स एक होने वाले हैं। सो इंडिया बेस्ट के डबल टेस्ट में एक साथ आ रहे हैं नोरबू तमंग, सुष्मिता तमंग और इनके कोरियोग्राफर्स शुभ्रनील पॉल एंड किशोर शेट्टी।
ताद से ताद से ताल मिला हो Why are you crying? रोना नहीं सुष्मिता. But सुष्मिता को lowest scores मिले थे last time. हाँ. उस हिसाब से it makes a big difference. Right? Yes. Sush, feeling good? I have to say. मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि चार अलग इंडिविजुअल लोग डांस कर रहे हैं. आई सॉ अ ग्रुप, आई सॉ अ क्रू, आई सॉ स्टाइल्स अमेलगमेटेड. चार जिस्म एक जान. आई सॉ वन सोल. आउटस्टैंडिंग जॉब यार. और सुष्मिता और नोरबू आपको एक साथ डांस करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा. फाइनली क्या बात है. थैंक यू मैम. इट वाज सो गुड टू सी जस्ट फ्रेंड्स डांस टुगेदर. हर एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अलग लेवल पे बज रहे थे और वो हमें सुनाई नहीं दिखाई दे रहे थे. शुरुआत में सुष्मिता वॉज डूइंग एनिमेशन, नॉर्बू ही वॉज डूइंग द न्यू स्कूल, शुभनील ही वॉज डूइंग बेसिकली वेविंग, तुषार ही वॉज डूइंग ओल्ड स्कूल. चार अलग स्टाइल्स, इन चारों का मिश्रण म्यूजिक के साथ. दिस वॉज अ कोरियोग्राफ जीनियस. आई वॉन्ट गिव अ क्राउन. आई वॉन्ट गिव टू ऑल ऑफ यू. वेल डन. थैंक यू सो मच सर. For the kings and queens, king, well done, superb, well done. Thank you so much, sir. जब इनका एक्ट खत्म हुआ और चारों यहाँ पे खड़े थे, उनकी जो सांस अटकी हुई थी और जो एक्सप्रेशंस थे उनके मुंह पे, देयर वाज नॉट अ ड्रॉप दैट वाज लेफ्ट. एक भी बूंद नहीं बची थी इनके अंदर. उन्होंने जितना था उनके अंदर सब कुछ दे दिया था. एंड दैट्स व्हाई दिस परफॉर्मेंस वाज सो गुड. आप सबको मेरी तरफ से एक एक. क्या बात है. इंडिया बेस्ट के डबल टेस्ट में एक साथ आ रहे हैं शिवांशु सोनी, समर्पण लामा और इनके कोरियोग्राफर्स श्वेता वॉरियर एंड परमजीत सिंह. देख कर नूर उसका, चांद भी शर्मा कर बादलों के पीछे छुप जाए. आंखों में चमक ऐसी जो देखकर जमीन भी रुक जाए. वो बाहर जिस भी वक्त निकले, पूरी कायनात की जुबान से एक ही शब्द निकले, आफरीन आफरीन आफरीन. Nice.
देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता खूबसूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म दर्शा हुआ दिल का शो दिल नशी संदनी संदनी क्या बात है यार आंखें देखी तो मैं देखता रह गया जाम दो और दोनों ही दो आतिशा वो दो बाब हैं आंखें उनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं आंखें उठ कर चुकी तो आंखें एक तो यार ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है और उनकी कोरियोग्राफर हमारे साथ में है आज गीता कपूर उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो गीता माँ सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपने इस गाने को ओरिजिनली सुना है नुसरत साहब का तो आपको पता होगा कि दिस इज नॉट हाउ इट साउंड्स वो लाइव गाया है उन्होंने और ये मेरा सौभाग्य था कि जब ये गाना बन रहा था तो मैं उस स्टूडियो में बैठी थी When it was getting remixed by Raju Singh ji and Ken Ghosh. और इसमें हर instrument जो बज रहा है वो मटका वो flute वो हर चीज़ डाली गई है enhance करने के लिए उस वक्त जब वो गाना बन रहा था we didn't think that that's the impact it would have. और फिर हम shoot करने जैसलमेर गए एंड मुझे बड़ा मज़ा आया उसको कोरियोग्राफ करते हुए और उस गाने को मैं इस तरह से कभी देखूंगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था सो थैंक यू सो मच फॉर दिस रेंडिशन इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल मैं देख रही थी कि आप लोगों ने एक दूसरे का किस तरह से स्टाइल में सहायता की होगी आई कैन सी श्वेता इन समर्पण शिवांशु इन समर्पण आई सॉ परम इन शिवांशु बेस्ट का डबल टेस्ट जो है ये इसका हाईलाइट था ये हमें देखना था कि आप एक दूसरे के अंदर किस तरह समाते हो आप एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हो एंड आई थिंक यू ऑल डिड अ फैबुलस जॉब इंडिया बेस्ट के डबल टेस्ट का पहला टेस्ट आज यही खत्म होता है आज जो डांसर्स पार्टनर्स बने थे कल वो बनेंगे एक दूसरे के सबसे बड़े चैलेंज क्योंकि कल इन्हीं सभी के बीच होने वाला है बैटल ऑफ द बेस्ट फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़